देखिए, 10th क्लास की मैथमेटिक्स में जो 7th नंबर का चैप्टर है सर्वसमिका त्रिकोणमितीय अनुपात में, देखिए अपन उसमें 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। छठे क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। छठा क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि रूट में आपको दे रखा है 1 - sin θ / 1 + sin θ, ये बराबर में होता है किसके बराबर में? sec θ - tan θ के बराबर में होता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये सिद्ध करने के लिए LHS लेकर चलना पड़ेगा। LHS आपको दे रखा है अंडर रूट के अंतर्गत 1 - sin θ / 1 + sin θ, ये चीज आपको दे रखी है। तो यहां से देखिए, इस तरीके का आपके पास में कोई भी इक्वेशन दी हुई होती है तो ऊपर नीचे आपको इसकी नीचे वाली की संयुग्मी से गुणा करना होता है। संयुग्मी का मतलब होता है ये कि ये माना जाएगा इसमें केवल जो साइन आपको दे रखा है प्लस में, इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यानी कि 1 - sin θ / 1 - sin θ संयुग्मी से ऊपर नीचे आपको गुणा करना है। ठीक है, ये जो नीचे वाली 1 + sin θ दे रखा है इसकी संयुग्मी से अपन ने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में आपको इस इक्वेशन को हल कर लेना है। ऊपर तो दे रखा है 1 - sin θ और यहां पर भी क्या दे रखा है? 1 - sin θ। तो 1 - sin θ का क्या हो गया यहाँ पर? होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 - sin θ का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट दे रखा है तो यहाँ पर ये क्या हो गया? अंडर रूट हो गया। और बाद में ये 1 + sin θ और 1 - sin θ, आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, 1 + sin θ, 1 - sin θ से a+b और a-b, ये बराबर में किसके होता है? a² - b² के बराबर में होता है। यानी कि a² - b² को अपन a+b a-b ले सकते हैं। तो यहाँ से ये तो a+b हो गया और ये a-b हो गया, यानी कि 1 - sin²θ, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 1 - sin²θ का ये sin²θ। ठीक है, इतना आपको लिखना है। लिखने के बाद देखिए यहाँ पर ये अंडर रूट दे रखा है ना, तो ये अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, अब देख ऊपर वाला ये होल स्क्वायर दे रखा है, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाता है, आप सभी को पता है। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ से 1 माइनस से ऊपर तो क्या बच गया? sin θ। नीचे देखिए 1 - sin²θ, ये सर्वसमिका होती है sin²θ + cos²θ, किसके बराबर नहीं होता है? 1 के बराबर होता है। यहां से cos²θ को तो यही रहने दो, इस sin²θ को पक्षांतर करके उधर ले जाओ, तो ये प्लस का है इधर, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 1 - sin²θ को अपन क्या लिख सकते हैं? cos²θ। यहां से ये क्या हो जाएगा? cos²θ, और इसका क्या दे रखा है? अंडर रूट दे रखा है, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 1 - sin θ / cos θ, ये शेष बच जाएगा। आपको सिद्ध करना है sec θ - tan θ, तो यहां से इसको अलग अलग लिख लो। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 / cos θ - ये sin θ / cos θ, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। यहां से 1 / cos θ को अपन क्या लिख सकते हैं? sec θ - sin θ / cos θ को क्या लिख सकते हैं? अपन tan θ लिख सकते हैं। तो ये sec θ - tan θ, और यही आपको क्या दे रखा था? RHS साइड दे रखी थी, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो एक इक्वेशन आपको दे रखी थी, उस इक्वेशन से sec θ - tan θ आपको सिद्ध करना था। तो LHS अपन लेकर चले, इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, बाद में ये इस सर्वसमिका से अपन ने इसका मान रख दिया और RHS साइड अब अपने पास में आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव करना है कि अंडर रूट के अंतर्गत sec²θ + cosec²θ, ये किसके बराबर में होता है? tan θ + cot θ के बराबर में होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया और ये 7 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में इस बार आ भी चुका है, हो सकता है ये आपकी ईयरली एग्जाम में भी आ जाए, वरना ये क्वेश्चन है वो आपको कन्फर्म आने की संभावना है। देखिए इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से करेंगे। LHS साइड आपको दे रखी है, अंडर रूट के अंतर्गत क्या दे रखा है? sec²θ + ये cosec²θ, और आपको सिद्ध करना है कि किसके बराबर में होता है? tan θ + cot θ के बराबर में होता है। तो यहां पर आपको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो इसको देखिए अपन किस तरीके से लिख सकते हैं। sec²θ को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 / cos²θ लिख सकते हैं। यहां से cosec²θ को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 / sin²θ, और ये अंडर रूट दे रखा है तो अंडर रूट अपन ने लिख दिया। इसको इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लो। तो यहां से इसका एलसीएम लोगे तो ये तो cos²θ और sin²θ है, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा sin²θ और ये cos²θ।
इस कोस स्क्वायर थीटा का भाग इसमें देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ऊपर तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा का भाग इसमें देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। उससे इस एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और ये यहाँ पर आपको ये अंडर रूट दे रखा है, तो ये अंडर रूट अपन ने लगा दिया, कुछ नहीं किया, बस ये इक्वेशन आपको दे रखी थी, इसका अपन ने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद में देखिए क्या करना है आपको, एक सर्वसमिका होती है, आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक होता है। ठीक है, ये सर्वसमिका यहाँ पर बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसका मान कितना हो गया, एक हो गया। और यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, दोनों गुणा में है, तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इतना कर दिया, इतना करने के बाद में देखिए आपको ये जो अंडर रूट दे रखा है ना, इससे अपन को क्या करना है, इन दोनों का वर्गमूल करना है। वर्गमूल करेंगे तो एक का तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और इस नीचे वाले का क्या होगा, देखिए कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल करेंगे तो एक एक घात कैंसिल हो जाएगी, और ये साइन थीटा कोस थीटा बच जाएगा। तो वर्गमूल करने पर वन अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए ये जो सर्वसमिका थी अपन ने इसको लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक, यहाँ पर आपको ये जो एक मान दे रखा ना, इसकी जगह ये सर्वसमिका लिख दो, जो अभी अपन ने लिखी था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको इस तरीके से लिख दो। यहाँ पर ये तो हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा, इस एक की जगह अपन ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान कितना होता है, एक ही होता है। और यहाँ से ये हो गया साइन थीटा और ये कोस थीटा, ठीक है, इतना मान अपन ने लिख दिया। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस में दे रखा है ना, तो इसको अपन को अलग अलग लिख लेना है। अलग अलग लिखने का मतलब है ये साइन स्क्वायर थीटा, इसके बट्टे में ये तो है साइन थीटा और ये है कोस थीटा, ये प्लस का चिन्ह है ना, ये प्लस का चिन्ह यहाँ लगा दिया, और ये कोस स्क्वायर थीटा और इसके बट्टे में ये क्या है साइन थीटा और ये कोस थीटा, यानी कि इसका अपन एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा आएगा, और इसको हल करेंगे ना तो ये समीकरण बन जाएगी, और इसको अपन एक लिख सकते हैं। तो इसको बस कुछ नहीं किया, आगे थोड़ा सा सेपरेट कर लिया अपन ने और अलग अलग इसको लिख दिया। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर ये साइन थीटा है, तो एक घात से एक घात कैंसिल हो गई, यहाँ पर ये कोस स्क्वायर थीटा है और ये कोस थीटा है, एक एक घात कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर तो क्या बचा, ऊपर तो साइन थीटा और नीचे कोस थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा तो कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए ये तो आपको दे रखा है कोस थीटा और नीचे दे रखा है साइन थीटा, यहाँ से ये कोस थीटा कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा बटा कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं, ये प्लस का चिन्ह है, और कोस थीटा बटा साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा लिख सकते हैं, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और यही आपको क्या दे रखा था, आर एच एस साइड का मान दे रखा था, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर क्या होता है, आर एच एस इति सिद्धम। ठीक है, ये इक्वेशन आपको दे रखी थी, यहाँ से टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान आपको सिद्ध करना था, और ये अपन ने इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लिया, और लास्ट में यहाँ पर टेन थीटा प्लस कोट थीटा आ गया, जो कि आरएचएस का मान आपको दे रखा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से देख लेना ताकि ये क्वेश्चन आपको और भी इजी वे में समझ में आ जाए। एट नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट एल्फा प्लस कोट बीटा, ये किसके बराबर में, टेन एल्फा और टेन बीटा के बराबर में है। तो यहाँ से अपन को सिद्ध करना है, इसलिए एलएचएस साइड अपन लेकर चलेंगे। एलएचएस साइड का मान आपको दे रखा है यहाँ से टेन एल्फा प्लस ये टेन बीटा अपॉन ये कोट एल्फा प्लस कोट बीटा, ये मान आपको दे रखा है। तो यहाँ से देखिए ये जो टेन एल्फा प्लस टेन बीटा ना, टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां से ये टेन एल्फा दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपसे, ये क्या हो जाएगा, साइन एल्फा बटा कोस एल्फा हो जाएगा, थीटा की जगह एल्फा लिख दिया। और ये टेन बीटा दे रखा है तो ये हो जाएगा साइन एल्फा बटा कोस, ये सॉरी यहाँ पर बीटा दे रखा है ना, इसलिए एल्फा की जगह क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और ये कोस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। नीचे आपको कोट थीटा का मान दे रखा है, मैंने आपको बताया था कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो यहां से ये हो जाएगा कोस एल्फा अपॉन ये साइन एल्फा हो जाएगा, प्लस ये कोट बीटा है ना, तो यहां से ये हो जाएगा कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, ये मान इतना अपन ने लिख दिया। अब ऊपर है ना एलसीएम ले लो, साइन एल्फा बटा कोस एल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा कोस एल्फा और कोस बीटा, इतना एलसीएम आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेने के बाद में यहां पर क्या बचेगा, साइन एल्फा, देखिए यहां पर बचेगा साइन
अल्फा, देखिए कोस अल्फा को अपने एलसीएम लिया ना, इसमें भाग देंगे कोस अल्फा में, कोस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, कोस बीटा बचेगा, कोस बीटा को इस साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो ये साइन अल्फा और कोस बीटा बचेगा, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह आगे तो ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ से ये साइन बीटा है ना तो ये तो साइन बीटा और यहाँ से कोस अल्फा ये बचेगा लघुत्तम लेने के बाद में, और ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर दे रखा है आपको, और ये बट्टे का चिन्ह जो कि ये बट्टे का चिन्ह है ना, ये वाला बट्टे का चिन्ह। अब ये नीचे वाले समीकरण है इसका भी एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो ये साइन अल्फा और साइन बीटा है नीचे, तो ये आ जाएगा एलसीएम साइन अल्फा और ये साइन बीटा। एलसीएम लेने के बाद में जब इसको हल करोगे तो ये बच जाएगा कोस अल्फा और साइन बीटा प्लस कोस बीटा और साइन अल्फा, ये इस तरीके से बचेगा जब अपन इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके दोनों को अपन लिख दिया। अब देखिए ये चीज़ है ना, ये बट्टे में बट्टा आ गई, ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो तो ऊपर चली जाएगी और ये जो इक्वेशन है ना ये नीचे रह जाएगी, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा और कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा और कोस बीटा, ये अपन को इक्वेशन दे रखी थी वो अपन ने लिख ली। अब ये गुणा का निशान, ये साइन अल्फा साइन बीटा तो ऊपर चला जाएगा, ये साइन अल्फा और ये साइन बीटा अपॉन, अब ये जो इक्वेशन थी ना ये नीचे आ जाएगी, तो यहाँ से ये बचेगा कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा और साइन अल्फा। अब देखिए यहाँ से ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, तो यहाँ से भी ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, इसलिए इस पूरी समीकरण से ये समीकरण कैंसिल हो जाएगी, गुणा में है और बट्टे में दे रखी है, ऊपर तो क्या बच जाएगा यहाँ से साइन अल्फा और साइन बीटा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, एक बचा यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा, और नीचे क्या बच जाएगा यहाँ पर कोस अल्फा और कोस बीटा, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ पर बच गई। इतना करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या होता है टेन अल्फा होता है, और बाद में ये साइन बीटा अपॉन कोस बीटा क्या होता है टेन बीटा होता है, तो यहाँ से टेन अल्फा और टेन बीटा बच गया, और यही आपका क्या है आर एच एस साइड आपको दे रखी थी, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम। ये मान आपको दे रखा था टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, और ये टेन अल्फा टेन बीटा आपको सिद्ध करना था, तो कुछ नहीं किया एल एच एस साइड ले ली, टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा के रेस्पेक्ट में अपन लिख दिया, और नीचे यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में बस आगे इसको सोल्व कर लिया और अपना मान आ गया टेन अल्फा टेन बीटा, और यही साइड आपको क्या दे रखी थी आरएचएस दे रखी थी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और ये किसके बराबर में सिद्ध करना है आपको 2 सेक थीटा के इक्वल टू में सिद्ध करना है, तो यहाँ से इस एल एच एस साइड को अपन लेकर चलेंगे। एल एच एस साइड आपको दे रखी है ना ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसका क्या लेंगे अपन एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये तो यहाँ पर कोस थीटा है और ये 1 प्लस ये साइन थीटा है, ठीक है, ये इतना एलसीएम आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, कोस थीटा का भाग इसमें देंगे कोस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा का भाग इसमें देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा को गुणा करेंगे इस कोस थीटा से तो यहाँ पर क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद में इससे 1 प्लस साइन थीटा है इसको खोल लो, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है एक सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये एक सूत्र होता है, उसी तरीके से 1 प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी कि 2 साइन थीटा हो जाएगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा आपको दे रखा है तो ये कोस स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिख दिया। नीचे जो आपको एलसीएम लिया था कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर आपको दे रखा था वो इस तरीके से अपन ने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है और ये कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक होता है, तो यहाँ से ये एक तो पहले से दे रखा है तो ये तो एक हो गया, प्लस से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान भी कितना हो गया एक हो गया, प्लस से यहाँ पर ये क्या दे रखा है टू साइन थीटा दे रखा है तो ये क्या हो गया टू साइन थीटा, और नीचे आपको देख क्या दे रखा है कोस थीटा, और यहाँ पर ये 1 प्लस साइन थीटा
जो अपने एलसीएम लिया था ना वो इससे का ऐसा अपने लिख दिया। अब देखो एक और एक कितने होते हैं, दो होते हैं, 2 + 2 sin थीटा, और नीचे आपको क्या दे रखा है, कोस थीटा और 1 + sin थीटा, जो इक्वेशन अपन ने दे रखी थी वो इस तरीके से लिखती। अब यहाँ से दो कॉमन ले लो, दो कॉमन लेते ही यहाँ पर तो क्या बच गया, एक बच गया, और यहाँ पर ये क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। तो ये दो कॉमन लेने के बाद 1 + sin थीटा, और नीचे आपको क्या दे रखा है, कोस थीटा, यहाँ पर ये कोस थीटा दे रखा है, और ये 1 + sin थीटा दे रखा है। अब देखो ऊपर भी 1 + sin थीटा है, नीचे भी 1 + sin थीटा है, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, 2 / cos थीटा। अब ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 1 / cos थीटा। अब 1 / cos थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 sec थीटा हो गया, 2 sec थीटा। और यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था, RHS साइड का मान अपन को दे रखा था, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, ठीक है ना, क्योंकि ये इक्वेशन अपन को दे रखी थी। और यहाँ से 2 sec थीटा अपन को सिद्ध करना था, जो कि अपन ने स्टेप बाय स्टेप करके 2 sec थीटा RHS साइड सोल्व कर दी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपन 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर देखिए, चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर में, 1 के बराबर में, ये चीज आपको सिद्ध करनी है। तो यहाँ से देखिए LHS साइड अपन ने ले ली, LHS साइड आपको ये दे रखी है ना, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए आप मुझे कि देखिए इसका मान क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो इक्वेशन थी ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो इसी को अपन ने इस तरीके से लिखा है। देखिए मान लिया कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, ए है, और कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या है, बी है, तो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी हो गया, बस उसी मान को यहाँ पर लिख दो, इसका मान आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ए प्लस बी, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये ए माइनस बी, और नीचे आपको क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, ऊपर वाली संख्या गुणा में एक है और नीचे भी एक है, एक लिखने की कोई जरूरी नहीं है। अब आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, और यही आपको RHS साइड दे रखी थी, है ना, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट साइड अपन लेकर चले थे, यहाँ से एक मान इसका सिद्ध करना था, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक सूत्र होता है, इसी को अपन ने इसको उठाकर रख दिया, और ये कैंसिल आउट होकर यहाँ से ये इसका मान क्या आ गया, एक आ गया, और यही आपको RHS साइड दे रखी थी। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आराम से ये सारे क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप कमेंट कीजिए, मैं किसी क्वेश्चन को दोबारा भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चन आंसर के साथ में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।